डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग मैथ एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं और एनसीईआरटी से हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे हैं और ट्रिगो का एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे थे, एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। 8.4 वाले एक्सरसाइज में चलिए हम लोग देख पाते हैं, पहला क्वेश्चन को कर लिए थे। इसमें बोला जा रहा था साइन ए, सेक ए और टेन और ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे से देखिए। इसमें बोल रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो हम आपको आइडिया दिए हुए थे कि अन्य सभी का मतलब क्या, सभी त्रिकोणमितीय कौन कौन से होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, ठीक है, कोसेक ए, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, कोसेक ए, फिर होते हैं कॉट ए, यही ना। आपको क्या करना है, इन सभी को सेक ए में चेंज करना है। किस में चेंज कर रहा है, अन्य सभी को। देख लो भाई, सेक ए तो नहीं करेंगे क्योंकि सेक ए खुद सेक ए के फॉर्म में है। इसका मतलब हमें क्या करना है, साइन से साइन का जो फार्मूला लाना है वो सेक ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले साइन ए। दोस्तों, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो सोचना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि साइन ए है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और रूट, रूट और स्क्वायर दोनों चढ़ा दिए क्योंकि रूट से स्क्वायर जो है ख़त्म होगा तो साइन ए ही ना बचेगा, इसलिए रूट भी चढ़ा दिए और स्क्वायर भी चढ़ा दिए, ठीक है, दोनों चीज़ें चढ़ा दिए। अब यहाँ पे दोनों चीज़ चढ़ा दिए तो हम लोगों को तो साइन ए मिला, अब रूट का रूट छोड़ दीजिए। अब हम लोग जानते हैं ना भाई, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, पता है ना। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों का फार्मूला होता है, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कोस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना भाई, साइन स्क्वायर ए को वन माइनस कोस स्क्वायर ए, और रूट का रूट छोड़ देंगे, ठीक है। अब भाई देख लो, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई सेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाई सेक थीटा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, वन ना। कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, वन। तो उसी से हम लोग एक फार्मूला निकाले हुए हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, वन बटा सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉस ए है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस ए का मतलब क्या दोस्तों, कॉस ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे रूट है तो रूट हो जाएगा, वन माइनस कॉस ए है तो कॉस ए का मतलब कौन जी, तो वन बटा सेक ए, वन बटा सेक ए का पूरा का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना भाई, वन माइनस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, वन बाई सेक ए का पूरा का होल स्क्वायर। अगर ऐसा है दोस्तों तो फिर हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, जरा देख लीजिए, यहाँ पे रूट अंडर वन, वन है ना यहाँ पे, तो इस वन को हम लिख सकते हैं ना वन बाई वन, और माइनस वन बटा सेक ए है और उसका पूरा का स्क्वायर है, तो वन का स्क्वायर ऊपर वाला का स्क्वायर और नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वन माइनस वन सेक स्क्वायर ए हो सकता है, फिर रूट को रूट छोड़ देंगे और सेक स्क्वायर ए एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से वन और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम सेक स्क्वायर ए, ठीक है,
और यहाँ से कटेगा क्या, सेक स्क्वायर ए और माइनस कितना, वन। दोस्तों आपको दिख पा रहा होगा कि जब रूट रहता है पूरा का तो हम अलग अलग रूट में तोड़ सकते हैं। ऊपर तोड़ देंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन और बट्टा सेक स्क्वायर ए का रूट, ठीक है। और आप जानते हैं हमको तो सेक ए में बदलना है, तो अब आपको जितना भी आंसर आया सेक ही दिख रहा है ना, स्क्वायर से मतलब नहीं है, सेक स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हुआ तो सेक ए बच गया। तो ये इस तरीके से हम लोगों को आंसर हो गया। देख पा रहे होंगे आंसर हम लोगों को आया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा सेक ए, क्योंकि साइन ए से चलते चलते हम लोगों को फार्मूला किसान किस में चाहिए था, सेक ए के पद में व्यक्त करना था, तो इसी तरीके से हम लोग व्यक्त करते हैं। दूसरा दूसरा फॉर्म ये है कि दोस्तों कॉस ए है, क्या है कॉस ए, देख पा रहे होंगे कॉस ए से किस में जाना होगा, सेक ए, ठीक है। तो कॉस ए को चेंज करेंगे तो क्या होगा, वन बटा सेक ए, क्लियर। कॉस ए का फार्मूला क्या, वन बटा सेक ए, तो ये ऑलरेडी चेंज हो गया, कॉस था उसको हम लोग सेक के पदों में व्यक्त करना था तो सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए, ठीक है। फिर दोस्त क्या है, टेन ए है, यहाँ पे क्या है टेन ए, तो टेन ए है, ये हो गया हम लोगों को आंसर। फिर हमको जाना है टेन ए से सेक स्क्वायर में, तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये सब अपना दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों, इसको अंडर रूट और स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर लगा दिए, अंडर रूट टेन स्क्वायर ए, इससे होगा क्या कि अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टेन ए का टेन ए बचेगा। अब हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे, हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। ये हम लोग फार्मूला पढ़े थे, देख लो भाई आपको हम फार्मूला ये सब सारा बताए थे, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए है तो उसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहीं से हम लोगों का चेंज हो गया, यानी कि टेन ए से हम लोग सेक ए में आंसर ला चुके हैं, ठीक है। अब रहा बात कि सेक ए है, तो सेक ए है तो खुद सेक ए है, उसको तो चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सेक ए है वो खुद सेक ए में है तो इसको चेंज करने का जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों करना क्या है, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कॉसेक ए है, अब कॉसेक ए से आपको किस में चेंज करना होगा, कॉसेक ए से आपको चेंज करना होगा सेक ए में। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, कैसे आप चेंज करेंगे वो जरा देखिए। तो दोस्तों हम लोग फार्मूला पढ़े थे, कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वन बटा साइन थीटा होता है ना भाई, ये हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं। देख लो जितना भी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं सबका आप यूज देख लो, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग फार्मूला सिर्फ पढ़े हैं, सिर्फ याद किए हैं, लेकिन उनको यूज कैसे करना है ये सब अपने दिमाग से ज़रूरत होती है, अपने दिमाग से करना पड़ता है कि हम कैसे कैसे रास्ता अपनाएंगे कि कॉस ए से सेक ए में आंसर कर सकें, ठीक है। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का ही चीज़ है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद नॉलेज हो जाएगा। तो कॉसेक ए है दोस्तों, इसको हम लोग क्या लिख दिए, वन बटा साइन ए। तो अभी तो हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा, अब देख लो वन तो हम उससे हमको मतलब नहीं है, ये अब साइन ए है, अब समझो कि साइन ए है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं रूट वन, तो वन ऊपर है, साइन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का रूट, क्योंकि रूट और स्क्वायर खत्म होगा तो साइन ए बचेगा। और हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो वन माइनस
वन माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, रूट का रूट रहेगा, इस साइन स्क्वायर को वन माइनस कोस स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो चेंज करना चाहते हैं तो वन को वन लिख दिया, कॉस ए के जगह पे देख लो कॉस थीटा का फार्मूला जानते हैं हम लोग, वन बाई सेक थीटा, ठीक है, इसलिए कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दिए वन बाई सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तो वन ऊपर है, ऊपर रख दिया, और रूट अंडर तो रूट अंडर, इस वन को लिख दिया वन बाई वन माइनस वन का स्क्वायर वन, सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, ठीक है, होगा ना भाई, ऊपर तो वन है बट्टा, फिर रूट है रूट कर दिया, वन और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम कितना होगा, सेक स्क्वायर ए, वन से सेक स्क्वायर ए बार में कटेगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वन तो मेरा ऊपर फिक्स है, और नीचे जो रूट में टूटेगा तो एगो टूटेगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन और बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर है, क्योंकि ये बट्टा का जो बट्टा में है वो पूरा का रूट है ना बट्टा में, इसलिए यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग कि जो बट्टा में रूट दिया हुआ है नीचे वाला को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, ठीक है, तो नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और नीचे में हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब सेक स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होगा तो क्या बचेगा, सेक ए बट्टा रूट अंडर, ये नीचे वाला ऊपर चला गया है तो सेक स्क्वायर ए माइनस में वन। दोस्तों इस तरीके से हम लोग एक कॉसेक को सेक में बदल सकते हैं, सेक ए के पद में आंसर कर सकते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन बोल रहा है कि आप क्या करो, कोट ए जो है ना भाई, कोट ए है, इसको आप सेक में आंसर लाओ, ठीक है, किस में लाओ, सेक में। तो सबसे पहले कोट जो ए है, कोट क्या है, ए है, तो कोट ए जो फार्मूला है देख लो भाई, कॉट ए का फार्मूला, तो कॉट ए का फार्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, कई मायने में इसको चेंज कर सकते हैं, कॉट ए का फार्मूला कॉस ए बट्टा में साइन ए, नहीं, कॉट थीटा का फार्मूला हम बताएं कि कॉस थीटा में जब साइन थीटा से भाग देते हैं तो कॉट थीटा मिलता है, तो इसका उल्टा भी सही है, जहाँ पे कॉट ए है भाई वहाँ पे कॉस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि कॉस को हम लोग सेक में बदल कर क्या लाए हैं, देख लो भाई, कॉस को बदल कर सेक में वन बटा सेक किए हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में समझा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको किया है, तो इस कॉस के जगह पे ऊपर वाला वन बटा सेक ए हो जाएगा, और इस साइन के जगह पे ये जो साइन दिख रहा है, साइन से हम लोग सेक में कैसे लाए हैं दिखाते हैं आपको, ये रहा हम लोगों का साइन, साइन से ये चलते 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 हम लोग सेक में व्यक्त किए हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा सेक ए, तो इसको भी कर दिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा में सेक ए, तो ऊपर वाला का भी अंश हर और नीचे वाला का भी अंश हर, तो ऊपर वाला हर और नीचे वाला हर अगर समान रहता है तो हर हर कट जाता है, कट गया, तो अब बच क्या गया दोस्तों, वन बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, इस तरीके से हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों को जो यहाँ पे चेंज करना था कुछ इस तरीके से सिचुएशंस को अपनाएंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो इजी वे में हम लोगों को सही तौर पे बन सकता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिए। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहे हैं मान निकालिए। क्या निकालिए? मान निकालना है दोस्तों। पहला सवाल में मान निकालना है, तो हम पहला सवाल को लिखते हैं यहाँ पे। तीसरा का पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन स्क्वायर 63, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 बट्टा कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 का मान निकालना है। क्या करना है? मान निकालना है, ठीक है। चलो देख लो भाई कैसे इसको मान निकालेंगे। सबसे पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। तो साइन स्क्वायर 63 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 63 का पूरा का स्क्वायर, क्योंकि पूरा का होल स्क्वायर को ही साइन स्क्वायर लिखते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 27 है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 27 का होल स्क्वायर बट्टा, यहाँ लिख सकते हैं कॉस 17 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 73 का स्क्वायर। देख लो भाई, हम लोग तो सीखे हुए हैं कि ये साइन 63 है कितना ऊपर वाला साइन 63। अब साइन 63 को आपको चेंज करना है। क्या करना? चेंज। ये जो साइन 63 है, साइन को आप उलटिए, तो साइन को उलटिएगा तो किस में उल्टाएगा? कॉस में, ठीक है। साइन को उल्टाएंगे तो कोस, और लेकिन ये 63 है तो क्या हो जाता है? 90 माइनस 63। क्यों? देख लो भाई, हम लोग पूरक कोण वाला पिछले एक्सरसाइज में फार्मूला पढ़े थे कि साइन का जो पूरक होता है वो कोस होता है, और बाद बाकी 90 में से वो चीज़ घटा दिया जाता है, और पूरा का क्या स्क्वायर, ये दोनों में से किसी एक को बदलना है। हम इसको बदल दिए, इसको वैसे ही छोड़ दिए, साइन 27 का होल स्क्वायर बट्टा, ये दोनों कॉस में है दोस्तों, तो किसी एक को बदलिए। तो मान लिया जाए कि हम इसको बदल रहे हैं, तो कोस का पूरक क्या होता है? साइन, और ये 17 है, तो 17 को कैसे लिखेंगे? 90 माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 73 का स्क्वायर, ठीक है। फिर देख पा रहे होंगे हम लोग यहाँ पे कॉस है, और ये 90 में से 63 गया, तो हो जाएगा 27 का होल स्क्वायर प्लस साइन 27 का होल स्क्वायर। साइन का तो साइन रहेगा, 90 में से 17 तो कितना होगा? 73 का स्क्वायर कॉस 73 का होल स्क्वायर। दोस्तों हम लोग कॉस 27 का स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे? तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बट्टा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। अब देख लो ऊपर वाला जो हम बोलेंगे आपको कि 4 प्लस 5 जोड़िए, या फिर 5 प्लस 4 जोड़िए, दोनों को तो आंसर 9 ही आएगा ना, इसलिए प्लस में जो होता है इधर उधर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कोस स्क्वायर 27 है, साइन स्क्वायर 27 है, इसको आप कीजिए क्या, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27 प्लस कोस स्क्वायर 27 और बट्टा नीचे में क्या है, तो साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73, साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। ये चीज़ें दिख रहा है दोस्त, ये जो चीज़ें दिख रही है आपको, ठीक है, इसमें हम लोग फार्मूला पढ़े थे एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। ये थीटा का मतलब समझे थे कोण, और दोनों जगह कोण जो है सेम होना चाहिए, एक साइन स्क्वायर में होना चाहिए, एक कोस स्क्वायर में होना चाहिए। जरा इसको देखिए, साइन स्क्वायर में है, कोस स्क्वायर में है,
ठीक है, दोनों जगह थीटा थीटा क्या है, सेम सेम है, 27 27 है, साइन स्क्वायर में है कॉस स्क्वायर में है, दोनों जगह थीटा थीटा सेम सेम है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे भी 1 हो गया और नीचे भी 1 हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोगों को कितना बच गया, 1, करेक्ट। आप देख पा रहे होंगे तीसरा का दूसरा क्वेश्चन को, यहाँ पे साइन 25 है और इंटू कोस 65 है, कोस 25 है और यहाँ पे साइन 65 है। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, साइन 25 को चेंज कर लीजिएगा पूरक कोण वाला से, ठीक है, तो कोस 65 आ जाएगा और इसको कोस 65 को छोड़ देना है, वैसे ही रहने देना है, और यहाँ पे कोस 25 को चेंज कर देना है, यानी आप बात समझिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन 25 को आप पूरक कोण वाला चेंज कीजिएगा, कोस 65 को गुना में है वैसे ही छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे प्लस के बाद कॉस 25 जो दिख रहा है इसको आप चेंज कर लीजिएगा और फिर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा। तो आपको हिंट्स के तौर पर हम ये बता चुके हैं, ठीक है। फिर चौथा में सही विकल्प के सामने सही आंसर करना है। पहला जो क्वेश्चन है, 9 sec² a माइनस 9 tan² a, तो 9 को हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, 9 कॉमन करके और जो आएगा आप बनाइएगा। तो दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अगर नहीं बनेगा तो हम अगले क्लास में जो आज हम आपको दिए बनाने के लिए ये ज़रूर हम बनाएंगे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।